Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. जी टैक्सला माशाल्लाह, इस मैं आपके पहले तो शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं जो आपके अंदर शऊर देख रहा हूं उसका सलाम करना चाहता हूं आपको। और आज मैं अपनी बहनों को खास तौर पे खुशामदीद कहता हूं। कभी मैंने इतनी तादाद में टैक्सला में इतनी तादाद में ख्वातीन नहीं देखी, और ये बड़ा अच्छा, हमारी आजादी की तारीख में ये एक बड़ी खुशाइन चीज है। अच्छा, मैं सरवर खान, सबसे पहले मैं आज आपके टैक्सला के कौम के सामने, सरवर खान आप मेरे साथ हर मुश्किल वक्त पे खड़े रहे हैं, धरने में आप खड़े रहे, और जब लोगों के जमीर का सौदा हो रहा था, लोटे बनाए जा रहे थे, सरवर खान आप मेरे साथ खड़े रहे हैं। और मैं आज आपके हलके के अंदर सबको बताना चाहता हूं कि इस तरह के इस मुल्क को सियासतदान चाहिए जिनके जमीर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा टैक्सला, मैं सबसे पहले तो मैं जरा आज इस अमरीकी इंपोर्टेड उनके गुलामों की हुकूमत को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा, तो इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। और मैं ये आज आपको अपनी सारी कौम को गवाह बना के इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं, कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूं जेलों के लिए, मेरी कौम भी तैयार है, ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है, ना तुम्हारी नामालूम टेलीफोन की धमकियों से कोई खौफ है, और ना ये जो हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी कौम के दिलों में चला गया है। जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह चला जाए, जिसका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा हो जाए, वो किसी के सामने सवाए अल्लाह के झुकता नहीं है। तो ये कौम आज तैयार है, मेरी कौम तैयार है, पहले बताओ टैक्सला तैयार हो?
कौम भी तैयार है और उससे ज्यादा कौम का कप्तान भी तैयार है। जेल तो छोटी सी चीज है हमारे लिए, कौम का कप्तान अपनी हकीकी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से अब, वो बल्ला घूमा। अच्छा अब जरा टेक्सला बाशऊर लोगों, आप जरा गौर से मेरी बात सुने। हुकूमत ने आज एक ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, मैं इनको ये कहता रहा कि ये अमरीकी साजिश के तहत आए और हमने मैंने 28 मार्च को एक मुरासला दिखाया सारी कौम को, जिसके अंदर साजिश वाजे थी। कि साजिश क्या थी कि अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हुक्म दिया पाकिस्तानी एम्बेसडर को कि इमरान खान को हटाया जाए अदम एतमाद में, और उसके बाद उसने यह भी कहा कि अगर इमरान खान को हटा दिया अपने अदम एतमाद में और अगर तुम चेरी ब्लॉसम को ले आए तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। डीजल पे बाद में आता हूं, बाद में आता हूं डीजल पे। सुने जरा, डीजल पे बाद में आता हूं। तो उस टेक्सला उस मरासले में क्या था, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाना पड़ेगा और उसमें उन्होंने यह कहा कि अगर 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 इमरान खान को हटा गया तो पीछे तो अचकन पहन के शहबाज शरीफ इंतजार कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो हटा दिया गया तो हम माफ कर देंगे। अच्छा अब टेक्सला सुनो जरा क्या हुआ। मैं सारी जगह मुरासला लेके दिखाया, भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, मैंने असेंबली में भिजवाया, स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भिजवाया, उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा ये जो इंपोर्टेड हुकूमत थी, ये बार बार कहें कि कोई मुरासला नहीं है, इन्होंने कहा कि कोई खत नहीं है, और इनकी जो सबसे बड़ी स्पोक्स पर्सन मरियम, उसने कहा ये झूठ है। तो अब अच्छा इनके साथ मीडिया भी मिल गया, इनके जो लिफाफे वाले पैसे लेके जमीर बेचने वाला जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी कहा मुरासला नहीं है। फिर क्या हुआ, और मीडिया इनके कंट्रोल में, मीडिया में जो हमारी हिमायत करता है उनको धमकियां, सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ के नौजवानों को जेलों में, तो इन्होंने कहा कि जनाब कोई मुरासला नहीं है और वो दब गया। अब मैं चेरी ब्लॉसम साहेब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मरियम जो सच नहीं बोल सकती आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुरासले को उठा दिया। अब मुरासले साइफर को इन्होंने उठा दिया और शुक्र के सारी कौम को अब सबके सामने आ गया कि वो वाकई जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नहीं, नया ड्रामा हो रहा है, मेरी बात सुनो। नया ड्रामा क्या है कि वो जिस साइफर गुम गया है, मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा, आप चाहेंगी कि गुम हो जाए,
क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमरीकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आप जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहां, मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। अच्छा टैक्स ला, अच्छा डीजल का पूछना चाहते थे, डीजल का अब ये हुआ क्या है, हमारी हुकूमत गिराई गई। नौजवानों पता है इन्होंने किस वजह से कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए, क्या वजह थी, महंगाई। इन्होंने कहा इमरान खान ने महंगाई कर दी, और वो कंपन टांगने वाला उसने महंगाई मार्च कर दी। वो महंगाई मार्च बेचारे सिंध के गरीब लोगों के पैसे के ऊपर उसने करोड़ों रुपया खर्च करके इस्लामाबाद पहुंच गया महंगाई मार्च पे। लेकिन लोगों को सिर्फ याद आया एक नया लफ्ज उसने निकाला, कंपे टांग रही है। तो इन्होंने महंगाई के जी महंगाई कर दी इमरान खान ने। तो अब टैक्सला 5 महीने के अंदर इस मुल्क में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जिन जिन के घरों में बिजली के बिल आए हैं, बिजली दुगनी से भी बढ़ गई है। गैस सर्दियों में 250% बढ़ने वाली है। आटा जो 55 किलो का 55 रुपए का एक किलो था, 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर में आज 100 रुपए से ऊपर निकल गया। हमारे जमाने में आलमी मंडी में तेल हमारे जमाने में $100 से $115 पे था, और हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी, और फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर थी। बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आज बिजली पहुंच गई है 36 रुपए यूनिट, और टैक्स लगा के 50 रुपए से ऊपर चली गई है। आज पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर, और फजल रहमान चला गया 250 रुपए लीटर। आज आवाम के ऊपर वो महंगाई है, तनख्वाहदार तबका आज गुजारा नहीं कर सकता। आज हमारे सरकारी नौकर, पुलिस वाले, सारे पाकिस्तान के तनख्वाहदार लोग, आज उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। ये इन्होंने तोहफा दिया है महंगाई का। और उसके अलावा हमारी मईशत जो हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल में बेहतरीन ऊपर जा रही थी, आज नीचे तेजी से जा रही है। महंगाई उस बानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मईशत नीचे, और ये था तोहफा इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और इसलिए मैं टैक्सला आपके पास क्यों आया हूं, मैं सारे पाकिस्तान में क्यों जा रहा हूं कि ये वक्त है कि मेरी कौम इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ी हो। इन लोगों ने सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाही एक काम किया,
अपने करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का एफआईए का चोरी, 8 अरब रुपए टीटी के केस नैब में, नैब भी अपनी हो गई, एफआईए भी अपनी हो गई और केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। वो मरियम मैच फिक्स हुआ, प्रोसिक्यूशन भी अपनी और अपना केस माफ करवा लिया, कानून बदल दिए। मैं टैक्सला के लोगों और पाकिस्तान के लोगों जो देख रहे हो आज, सब एक चीज समझ जाओ, टैक्सला एक चीज समझ जाओ, मेरी बहनें आप भी समझ जाएं कि क्यों मैं इस कौम को निकालने लगा हूं सड़कों पे, मैं क्यों निकालने लगा हूं, इसलिए कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने में इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने जो कानून बदले हैं इससे ताकतवर लोग जब चोरी करेंगे वो पकड़े नहीं जा सकते। व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम होती है ताकतवर लोग जब चोरी करते हैं। इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आज जो भी पैसे वाले लोग मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजेंगे, अब पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकेगा, अब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेगा, अब पकड़ेगा भैंस चोर या साइकिल चोर या मोटरसाइकिल चोर, बड़े बड़े डाकू नहीं पकड़ सकेगा अब हमारा कानून। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौमें छोटे चोरों को पकड़ती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती वो तबाह हो जाती है, वो कौमें तबाह हो जाती है। और ये जो अब जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं सबसे पूछता हूं, जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर यह समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टैक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकुओं को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुजदिल लोग देखे हैं, नवाज शरीफ बड़ा बुजदिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है, मुल्क में पैसा चोरी करने आता है और जैसे ही कोई इसको पकड़ने लगता है बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुजदिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। जो वो बिलावल कहते हैं ना, कंपे टांगती है, वो डार की कंपे टांगती है। और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इसे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा,
तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। तो मैं आज फिर कहता हूं कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम की तबाही का रास्ता बता दिया था आज से 1500 साल पहले, कि जो कौमें बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है वो मर जाती हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। ये है हमारी तबाही का रास्ता कि चुन चुन के ये डाकू, अरबों रुपए की चोरी इन्होंने किया, इन्होंने जो एनआरओ लिया है, टैक्स ला जो इन्होंने एनआरओ लिया है यानी चोरी माफ करवाई है, वो इस कौम का कितना पैसा था? 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपया इस कौम का माफ करवाया है। और अगर इसके ऊपर मेरी कौम मेरे साथ नहीं निकलेगी तो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इन चोरों के नीचे। जिस कौम में इस तरह के लोग ऊपर बैठ जाएं, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब मुशर्रफ ने पहले एनआरओ दिया 2007 में, जब इन दोनों करप्ट जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, आप जानते हैं इस कौम के ऊपर क्या गुजरी? इन्होंने 2008 से और 18 तक 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए। इन्होंने जो मुल्क को लूटा, 4 गुना ज्यादा इस मुल्क का कर्जा बढ़ा, 6000 अरब से 30000 अरब पे हमारा कर्जा चला गया। जो करप्शन के केसेस इनके 10 साल में थे, अब इनको फिर एनआरओ मिल गया, अब ये फिर तैयारी कर रहे हैं लूटने के लिए। मरियम क्या कहती शहबाज शरीफ को कि अंकल मेरे दामाद का 60-70 करोड़ रुपया जो ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो उससे माफ करके कौम के टैक्स के पैसे से वो पैसा दिलवाओ। यानी शर्म नहीं आई कि पहले चोरी बच गई, फिर से चोरी शुरू कर दी है, और फिर कहती अंकल, शहबाज शरीफ को अंकल ही कहती है कि अंकल वो हिंदुस्तान से मेरा जो दामाद है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको किसी तरह मशीनरी को आने दो। यानी कि हमने कश्मीर की वजह से जो इन्होंने कश्मीरियों का जो हक था, जो उनका स्पेशल स्टेटस था, 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने उनका स्टेटस लिया, इसलिए हमने उनसे ताल्लुकात तोड़े। अब ये जब ताल्लुकात हमने तोड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रही है दामाद के लिए। मुझे बताओ टैक्सरा, मुझे बताओ कि क्या हम कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं कर रहे? वो बेचारे जो 30 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, और ये अपने पैसे बनाने के लिए जो हमारे हम प्रेशर है कि ताल्लुका तब बहाल करेंगे जब आप कश्मीरियों को स्टेटहुड वापस करो। उसके अलावा टैक्स ला, उसके अलावा सुने जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, जो इनका शरीफों का घर का मुलाजिम है, वो इनसे पूछ पूछ के फैसले करता है। उसका काम सिर्फ एक है कि किस तरह धांधली करके वो किस तरह इनको वापस जिताएगा, क्योंकि साफ और शवाफ इलेक्शन में ये अब ये नहीं जीत सकते। आपको पता पंजाब के बाय इलेक्शन में 17 जुलाई को इनका सफाया कर दिया था। तो इसलिए
हाँ तो टैक्स ला, आप पहले बताओ तैयार हो आप? को कर बुलंद ना ये हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदी को कर बुलंद ना ये हर तकदीर से पहले, टैक्सला। अच्छा टैक्सला थके तो नहीं? हाँ मैं बस चेक कर रहा था, बहने तो इधर बिल्कुल नहीं थकी माशाल्लाह, जुनून उनका कायम है। अच्छा टैक्सला, अब मैं आप सबके सामने जो मेरा प्लान इस मुल्क में हकीकी आजादी के लिए, जो मैं अब मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो मेरा प्लान बन रहा है उसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूं। आपने सबने तैयारी करनी है, सबने तैयारी करनी है, क्योंकि टैक्सला जंजीरें गिरती नहीं है, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। टैक्सला आजादी, आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। ये जो ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं और जो इनके हैंडलर्स हैं, सब तैयार हो जाओ। मैं आज अपनी सारी कौम को पैगाम दे रहा हूं, जिधर भी आप हो आप ये याद रखो कि ये एक तहरीक बनी पाकिस्तान बनाने के लिए, एक तहरीक थी तहरीक पाकिस्तान, और ये उसके बाद 75 साल के बाद ये पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अब ये दूसरी तहरीक है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जाएंगे हम रहले सफा मर्दूदे हरम, मर्दूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज अपने आप को आजाद करवाने के लिए ये सारे बुत तोड़ने हैं। खौफ का बुत सबसे पहले, और ये जो चोर हमारे पर मुसल्लत किए हैं इनसे अपने आप को आजाद करने के लिए हमेशा के लिए, ये हमारा दूसरी मिशन है। और तीसरी चीज, मुल्क में सुन लो टैक्सला, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ लाने के लिए। आज तक क्यों नहीं इंसाफ आया, क्यों नहीं इंसाफ आया आज तक पाकिस्तान में? क्योंकि ताकतवर अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाना चाहता, वो अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐ नबी, एक कुरैश की लड़की को चोरी करने पर सजा मिल गई है, उन्होंने कहा कुरैश की लड़की को चोरी के ऊपर सजा मिल गई है तो नबी इसको माफ कर दें, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि मेरी अगर बेटी भी होती उसको भी मैं सजा देता। कानून के ऊपर कोई नहीं, यानी रूल ऑफ लॉ। जो कौम पाकिस्तानियों सुन लो, कौमें जो खुशहाल हैं, कौमें जो तरक्की कर रही हैं, उन सारी कौमों के अंदर कानून की बालादस्ती है। और जो कौमें गरीब हैं, जो कौमें इस वक्त गुर्बत में फंसी हुई हैं, महंगाई में, वो कौमें जिनसे लोग तरसते हैं मुल्क से बाहर नौकरियां लेने जाने के लिए, वो सारी कौमों के अंदर यही है जो आज पाकिस्तान में है। अमीर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो एनआरओ, और गरीब चोरी करे तो जेल में। वो सारी कौमों का मसला ये है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। जो भी मुल्क का ताकतवर है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, इंसाफ नहीं आने देता, इंसाफ नहीं होने देता। तो टैक्स ला के नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज की हुई है। सुन लो टैक्स ला, हमारे ऊपर अल्लाह ने जहाद फर्ज क्यों की है? उसने जहाद क्या है कि जुल्म का मुकाबला करना है, ना इंसाफी का मुकाबला करना है, इसको जहाद कहते हैं। आपने जुल्म के बुत के सामने सर नहीं झुकाना, आपने जालिम से खौफजदा नहीं होना, क्योंकि अगर आप जुल्म के सामने नहीं खड़े होंगे, माशरे में जुल्म बढ़ जाएंगे। जब आप जालिम का मुकाबला करते हैं, आप अपने ऊपर से आपको जुल्म से आजाद कर देते हैं। यह हकीकी आजादी की तहरीक दरअसल मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की तहरीक है। दरअसल ये मेरे नौजवानों के लिए है, ये मेरे आने वाली नस्लों के लिए है। और इसमें आप सब ने मेरे साथ चलना है। आपका कप्तान तैयार है जहाद के लिए, आपने सब ने मेरी टीम बनना है, और इंशाल्लाह जताऊंगा आपको। तो अच्छा टैक्सला, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ अब आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क से। अभी देखना, और ये क्या है, ये वीडियो क्या है? क्योंकि अभी उन्होंने मरियम को बरी कर दिया कि जी उसने कोई बेचारी बेकसूर है। अब जरा ये वीडियो देखें, और मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे जालिम के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए एक कानून, और बेचारे गरीब लोगों के लिए दूसरा कानून। ये जरा दिखाएं है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी चार अपार्टमेंट्स हैं उनकी एक अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। आप 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया, ये आज से 10 साल पहले टैक्स में सुनो जरा, क्योंकि आपको भी और दिखाऊंगा, पहले आप समझ लें। 10 साल पहले बैठ जाओ ना, वो कह रहे बैठ जाओ, जरा बैठ जाए सामने, बैठ जाओ, वो नहीं देख सकते, वो बैठ जाओ। अच्छा 10 साल पहले इनकी मैंने ये जो आप देख रहे थे, मैंने इंकशाफ किया कि अरबों रुपए की इनकी लंदन के सबसे महंगे में 4 अपार्टमेंट्स थी। पैसा किधर से आया? तो पीछे हो जाओ। अच्छा अब सुने जरा, तो ये जब आया तो मरियम
वो जवाब देती हैं, जरा ये सुने उसका जवाब क्या है। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो लंदन में किधर से आनी थी। अच्छा, मरियम बेचारी को एक चीज का नहीं पता था, टैक्सला, वो बेचारी मरियम को एक चीज का नहीं पता था कि अल्लाह हक है, वो सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। तो उसको नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स, दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स उनका इंकशाफ होता है कि उन्होंने अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी बाहर, वो इंकशाफ हो जाता है, उसमें बेचारी मरियम भी फंस जाती है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ, पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भंडाफोड़। अच्छा, जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के भाई क्या कहते हैं हुसैन शरीफ, ये सुने। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी। उसने कहा कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इंकशाफ होता है 4 साल के बाद, और भाई साहब खुद ही कह देते हैं कि वो 4 महलात मरियम के हैं। अब मुझे यह समझाएं कि अदालत ने इसे कैसे बरी कर दिया, 4 बड़े बड़े महलात हैं। ये देखें, ये लंदन की महंगी जगहों के ऊपर अरबों रुपए का पैसा है, तो अदालत इन्हें कैसे छोड़ देती है। मैं यकीन दिलाता हूं, टैक्सरा, मैं जरा आपको यकीन दिलाता हूं, अगर कोई कमजोर सा आदमी, कोई मजदूर, कोई बेचारा किसान, कोई छोटा सरकारी नौकर, अगर उसके ये निकलाते बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, तो पुलिस ने उसको जेल में डाल के वो छित्रोल करना था कि अगर उसके नहीं भी होते उसने कहना था हाँ जी मेरे ही हैं। तो ये मैं कह रहा हूं फर्क है कि ताकतवर और कमजोर में फर्क देखें। ताकतवर साफ वो कह रहे हैं कि 4 हमारे मरियम के अपार्टमेंट है, अदालत उसको छोड़ देती है। अच्छा, आप देखें, जब मरियम से वो लोग पूछते हैं अब इंकशाफ हो गया, ये आपके पास किधर से पैसा आया अपार्टमेंट्स का। अब वो कह तो सकती नहीं थी कि नवाज शरीफ का पैसा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो अपने टैक्स रिटर्न में बताया नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है, चोरी का पैसा था। तो वो फिर क्या कहती है मरियम, जरा ये सुने। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। अच्छा, सुने, वो क्या कह रही है, वो ये बाप का तो नाम नहीं ले सकती थी, उसने कहा मेरे दादा अरबोपति थे, वो इतने अमीर थे कि उन्होंने हमें पैसा दे के तो खरीद लिया। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे, वो वफात पा चुके थे, अब दादा से तो कोई पूछ नहीं सकता था, लेकिन मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है। अब वो दादे का बेटा क्या कहता है, मरियम का चाचा, दादे का बेटा,
शहबाज शरीफ क्या कहते हैं ये सुने जरा। मेरा खानदान, मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था, मुझे इसके ऊपर 22 से फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा टैक्सला, मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ गई कि पैसा चोरी करो पाकिस्तान से, बड़े बड़े महलात खरीद लो बाहर, उसके बाद डील करो, एनआरओ ले लो, वहां से वापस आ जाओ, अपने केसेस माफ करवा लो और फिर चोरी के लिए तैयार हो जाओ, फिर लूटो, फिर कौम का खून चूसो, और उसके बाद जब भी इनको खतरा होगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सबसे पहले बाहर भागेंगे। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूं। 25 मई को हमने ये समझा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें ये इजाजत देंगे, जैसे हमने इनको धरने करने की इजाजत दी, हमने कभी नहीं रोका, तो हम ये समझ रहे थे। लेकिन हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है, मुजरमों से है। इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी फैमिलीज थी, इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं आपको, अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। जो अब तैयारी हो रही है इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं। पहले ये जो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने सारी अब इनकी सारी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक तैयारी कर रहा हूं, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं पहले अपनी तैयारी कर रहा हूं और फिर एकदम कॉल दूंगा। आप सबने तैयार होना है, सबने तैयार होना है और इंशाल्लाह अपने मुल्क को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। और तब जब कानून की बालादस्ती कायम होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब अदल और इंसाफ होगा, इंशाल्लाह तब ये पाकिस्तान जो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जद्दोजहद की थी और इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, इंशाल्लाह उस पाकिस्तान की तरफ हमारा तब सफर शुरू होगा जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, जिस पे जो निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कायम किया था। पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है, खुशहाली इंसाफ के बगैर नहीं आती। और अगर चोरों को आप मुल्क के ऊपर बैठा दें तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। तो इसलिए सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है, प्लानिंग पूरी कर रहा हूं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार ये जो मार्च होगी, इंशाल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे, वो कौम बनाएंगे जो इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी, ये दिन आएगा जब दुनिया में हरा पासपोर्ट लेके जाएगा, लोग उसको इज्जत करेंगे, इज्जत सी नजर से देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।